किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरकार एम्स में भर्ती हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले एम्स ने लालू यादव को प्राइवेट वार्ड में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। एम्स की मनाही के बाद लालू यादव की रांची लौटने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें भर्ती कर लिया। उधर मंगलवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली और रेफर किए गए लालू यादव को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे लालू यादव के रिम्स में तबियत बिगड़ती जा रही थी। इस मामले को लेकर रिम्स में लालू यादव का इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में शामिल रिम्स निदेशक ने कहा जितनी जल्दी हो सके लालू प्रसाद यादव को एम्स भेजा जाए, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा गया था। और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता केशव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। केशव, क्या लालू प्रसाद यादव को अब एम्स में भर्ती कराया गया है प्राइवेट वार्ड में, क्योंकि भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था? क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस खबर की? देखिए करिश्मा, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कल शाम रांची से दिल्ली पहुंचते हैं दिल्ली एम्स में अपने इलाज के लिए, लेकिन दिल्ली एम्स ने साफ तौर से उनको एडमिट करने से मना कर दिया। उसके बाद वो देर शाम दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होते, लेकिन कल रात में ही वो दिल्ली एम्स से निकल जाते। कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता चलता, और आज सुबह वो दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि उनको रांची के लिए निकलना था। वापस वो रांची के रिम्स भर्ती होने जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से वो वापस अचानक अभी कुछ देर पहले जब कथित न्यूज ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव को भर्ती कर दिया गया, तो वापस वो आते हैं दिल्ली एम्स, और दिल्ली एम्स में वो इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो गए हैं। इस वक्त लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स ने एक बार फिर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। हो सकता है इस बार लालू प्रसाद यादव को प्राइवेट वार्ड अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कल रात से ही जुगत कर रहे थे कि दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, और यहाँ से वो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। उनके साथ उनकी बेटी मीता भारती, जो राज्यसभा सांसद है, वो है, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, राजद के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, और भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, वो सभी लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। हमारे आंखों के सामने ही उनके एडमिशन हुई है दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर उनका भी उनके डॉक्टरों के द्वारा उनका चेकअप किया जा रहा है। उसके बाद उनको हो सकता है प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स ने साफ तौर से एडमिट करने से मना कर दिया था कल, लेकिन आज सुबह उनको एडमिट कर लिया गया, आज दोपहर कह सकते हैं उनको एडमिट कर लिया गया दिल्ली एयरपोर्ट से, वो वापस आते हैं दिल्ली एम्स। बिल्कुल केशव, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।